ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी करनैल सिंह जी। हाँ जी हाँ जी। जन्म अमोलक मिला है मुक्ति पाने के लिए, संत जगत में आए नाम जपाने के लिए। जन्म अमोलक मिला है गर्दी जब होती है पाप देश में बढ़ जाए, योग गर्दी जब होती है पाप देश में बढ़ जाए, कर्म धर्म की देश न चलती कितना भी कोई चोर लगाए। संत बताते जुगती हा, संत बताए जुगती भवतर जाने के लिए, संत जगत में आए नाम जपाने के लिए। जन्म अमोलक मिला है मुक्ति पाने के लिए, संत जगत में आए नाम जपाने के लिए। जय नाश अवगण जोर पा जाए, गुण का हो जाए नाश अवगण जोर पा जाए, मन मुखता के कारण बल बुद्ध हीन हो जाए, मन मुखता के कारण बल बुद्ध हीन हो जाए। नाम सुख है नह साधन, नाम सुख है नह साध असर कर जाने के लिए, संत जगत में आए नाम जपाने के लिए। जन्म अमोलक मिला है मुक्ति पाने के लिए, संत जगत में आते नाम जपाने के लिए। जन्म अमोलक मिला है सतयुग में था सत युग त्रेतयग जी, सतयुग में था सत युग त्रेतयग जी, द्वापर में थी मूर्ति पूजा करते अलग अलग जी, द्वापर में थी मूर्ति पूजा कर दे लग लग जी। कलयुग में है नाम हो, कलयुग में है नाम मुक्ति पाने के लिए, संत जगत में आए नाम जपाने के लिए। जन्म अमोलक मिला है मुक्ति पाने के लिए, संत जगत में
आए ना मुझ पाने के लिए। इसी जन्म में बंदा प्यारे ज्ञान हरि का पाए जी हो, इसी जन्म में बंदा प्यारे ज्ञान हरि का पाए जी। लाख चौरासी योनि अंदर ज्ञान कभी ना आए जी, लाख चौरासी ज्ञान कभी ना आए जी। खुद मुख त्यार बनाया हो, खुद मुख त्यार बनाया कर्म बनाने के लिए, संत जगत में आए नाम जपाने के लिए। जन्म अमोलक मिला है, जन्म अमोलक मिला है मुक्ति पाने के लिए, संत जगत में आए नाम जो पाने के लिए। जन्म अमोलक मिला है, नाम जपण को आया बंदा फस गया विषय वकारों में, नाम जपण को आया बंदा फस गया विषय वकारों में। कर्म किए की सजा है पाए जाके नरक द्वारों में, कर्म किए की सजा है पाए जाके नरक द्वारों में। धर्मराज है अफसर हो, धर्मराज है अफसर न्यों को माने के लिए, संत जगत में आए नाम जपाने के लिए। जन्म अमोलक मिला है मुक्ति पाने के लिए, संत जगत में आए नाम जपाने के लिए। जन्म अमोलक मिला है, पाणव पारी आया बंदा लग्या ऐश उड़ाने में, ओ पाणव पारी आया बंदा लग्या ऐश उड़ाने में। सच का सौदा करता नहीं काल के देश बगाने में, सच का सौदा करता नहीं काल के देश बगाने में। ओ मिली है पूंजी इसको, मिली है पूंजी इसको सच को माने के लिए, संत जगत में आए नाम जो पाने के लिए। जन्म अमोलक मिला है मुक्ति पाने के लिए, संत जगत में आए नाम जो पाने के लिए। जन्म
अमोलक मिला है। जिस बंदे ने नाम न जपया जन्म गवा के जाए जी, जिस बंदे ने नाम न जपया जन्म गवा के जाए जी, चला जाए जब हाथ से प्यारे मुश्किल से हाथ आए जी, चला जाए जब हाथ से प्यारे मुश्किल से हाथ आए जी। शासत नाम जी दी डोटी है, शामस्ताना जी दी डोटी है, समझाने के लिए संत जगत में आते नाम जपाने के लिए। जन्म अमोलक मिला है मुक्ति पाने के लिए, संत जगत में आए नाम जपाने के लिए। जन्म अमोलक मिला है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा, हर जगह समर्थ साईं जी तेरा ही आसरा। देखो भाई साढ़े करनैल सिंह गुरमुख प्यारे ने कितना प्यार का शब्द बोलिया कि संत आए हैं नाम जपाने के लिए, जीव को सूते हुए को जगाने के लिए। बहुत प्यार का शब्द सुनाया, इस शब्द का कमाल का शब्द, मैं तो ये पहली बार ही सुना है। इन्होंने आपने नया ही बनाया है मेरे ख्याल? नहीं जी, डेरे शाह सतनाम जी दे बनया है जी। बल्ले बल्ले बल्ले, बहुत बहुत शब्द है जी। जीवन अमोल मिला है, जन्म अमोलक मिला है, मिला है मुक्ति पाने, मुक्ति पाने के लिए। देखो शाह मस्ताना जी ने अपने जीवों पर कितना इन्होंने दया करी, कितना रहम करया। आज इनका देना नहीं दे सकते शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी ने इस एरिया में राम नाम का डंका खड़काया। देखो अब देखो कहीं चले जाओ, बेशक गंगुए में भी शाह मस्ताना जी की चर्चा हो रही है, दो जहाँ के मालक की। इधर कमरपुर में चले जाओ, इधर अपने धूनीदास महात्मा का डेरा है, वहाँ भी शाह मस्ताना हो रही है। रायसेन नगर जाओ तो भी शाह मस्ताना शाम, कितनी जगह देखो जय जयकार हो रही है। अब सन 60 में शहनशाह परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ज्योति ज्योत समा गए थे, अब उनका भंडारा भी शुरू होएगा 1 नवंबर से लेके तो फिर चलता रहेगा। तो जगह जगह सत्संगी भाई बाबा जी का जिक्र करेंगे। तो मैनेजर साहब जी किताब पढ़ाया करते थे कि दुनिया में इतना पाप हो रहा है, पर सबसे बड़ा पाप कौन सा है कि जो आदमी नाम लेके स्मरण नहीं करता, ये सबसे बड़ा पाप है। और तो पाप सब उतर जाएंगे, जो राम से ठगी करे वो पाप कैसे उतरे। तो मस्ताना जी नाम देते समय इतना समझाया करते थे, देखो भाई जहाँ फौज नहीं भर्ती करनी, असूलों पर कायम रहेगा वो इस लाइन में। छांटी कराते बाबू खेमचंद से, और भी कितनी जगह जोरड़ा की मिसाल दी, इधर और कई गांवों में मिसाल देते थे। एक एक जीव की छंटाई करते थे, वो अंदर से देखते थे भी ये भजन करने के काबल है या ना है, फिर उनको बाहर निकाल देते थे। क्यों निकालते थे बार भाई? तड़प पैदा होने के लिए, भी पछताए भी मैं, मेरे को बाहर निकाल दिया, मेरे में कमी है, अपनी कमियां दूर करके आओ भाई संतों महात्माओं के दरबार में, साफ सुथरे बन के आओ। कई बारी प्रेमी मैनेजर साहब के पास आ जाते, बाबे कहते भी दारू कदों पीती सी, कि बाबा जी दिवाली वाले दिन पीती, कहते ना 6 महीने बर्तन में से बदबू नहीं जाती, 6 महीने
छह सात महीने परहेज करके आओ, पक्का रह के आओ, फिर नाम देते थे ठोक बजा के। अगर तीन असूलों में भी एक असूल गिर गए तो तकलीफ इतनी आएगी, बहुत तकलीफ आएगी, काम ठप हो जाएगा। समझाते थे, फिर भी प्रेमी जब आना जाना छोड़ जाते हैं, गिर जाते थे, आता जाता रहे, चोट लगती रहती आदमी को, आता जाता रहे, चोट लगती रहती है। तो आज सतगुरु के प्यारे प्रेमी अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं भाई, सतगुरु ने दया मेहर करी है, आप आज आए हैं। चार महीने के बाद प्रोग्राम हो रहा है, पीछे जब प्रोग्राम था वीरवार को, हमारे सेवादार शहनशाह मस्ताना जी के सेवादार नाम मस्ताना जी से लिया हुआ था, यानी कि मैनेजर साहब जी के लांगरी थे राजा राम जी, चोला छोट गए तो हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। तो अब प्रोग्राम है, राजा राम जी का बाबा जी के साथ बड़ा ही प्यार था, डेरा बढ़ने से पहले ये साधु साथ थे, महात्मा गुरदास जी, राजा जी, फूला महात्मा, फूला नहीं कृपाल महात्मा, जगदीश पूर्ण जी, राजा नंद सिंह लंबरदार डेरा बढ़ने से पहले थे। आजा भाई महात्मा कृपाल, तुम भी आजा यार, हो रहे दर्शन दे संगत नूं, तू आजा। ये छोटे छोटे भाई मैनेजर साहब के पास रहे, मैनेजर साहब जी चोर मार जब रहते थे, तीन बजे रात को एक एक रोटी देते थे और कसियों से गोडी कराते थे, इतने इतने डगल उठते थे, देखो तीन बजे रोटी पकाते देते, एक एक रोटी देते। तो मस्ताना जी ने खुद आप मेहनत करी, हाँ आ जाओ बैठो भाई, और संगता से मेहनत कराई, उन्होंने आप भक्ति करी, साधुओं से सेवादारों से भक्ति कराई। तो मस्ताना जी आप खुद जागते रहे, संगतों को जगाया, इन्होंने 12 साल तक दिन रात एक कर दी, मकान गराया बनाया, गराया डवाया, इतने जीवों को सीधा रास्ता लगाया। देखो बागड़ में कोई आदमी समझता ही नहीं था, तो के मैंने सही फरमाया करते थे, पंजाबी आदमी तो 20 समझ जाएंगे, बागड़ी एक को समझाना मुश्किल हो जाता है। और उन पर इतनी दया मेहर करी बागड़ियों के लिए कि ताकत आई। आ जाओ महात्मा जी, इधर आ जाओ, हैं इधर आ जाओ, आ जाओ, कोई गल नहीं, आ जाओ। ओ सतगुरु की रहमत इतनी है जीवों के ऊपर, आपा उनकी दया मेहर इतनी है कि आपा समझते नहीं, उनकी दया मेहर के बगैर आपा कदम भी नहीं चल सकते, अपनी कोई हिम्मत नहीं है कि कोई कार्य करें। तो बाबा जी की रहमत है, अब कृपाल जी इनके भी प्रोग्राम थोड़ा सा बताएंगे, कुछ शहनशाह जी की भाई मस्ताना जी के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ाओ भी मैं कर। ये तो मैनेजर साहब के पास उस टाइम इतनी शक्ति चलती थी, रोटी भी नहीं देते थे, मजदूरी करा करते थे, 2 रुपये गोलू वाले, 2 रुपये दिहाड़ी गोलू वाला, चौधरी हरिराम देवीलाल दो भाई थे, मलोट भी कर दे रहे 2 रुपये हैं जी, मलोट भी, मलोट चोरमार गदराना मेहमतपुर रहे 6 साल, यानी के मैनेजर साहब जी बाहर रहे। फिर 18 फरवरी 1966 में ये डेरा बना जगमाल वाली का, तो 2 साल के बाद तो गुनाहगार भी आ गया था, पहले ये मैनेजर साहब के पास इन्होंने सेवा करी। बचपन में ही मस्ताना जी के हाथों से प्रसाद लिया, कहते हैं नाम भी मस्ताना जी से लिया, क्यों माता पिता के साथ जाते थे, हैं तो हम आने आनी, कितनी उम्र होगी 75 साल दी, 78 वाह भाई वाह, ना बताओ कोई कह देगा 78 साल, ये है भजन वाले की निशानी। आज 40 साल के लड़के को पूछ लो, ऐसे हो रहे जैसे 70 साल का होता है, ये जागने की निशानी है, प्यार की निशानी है, खुराक कम खाते हैं। हाँ जी महात्मा जी, हाँ जी, पहला तो सारी साध संगत नूं जी आया दरबार दे विच, दूसरा यह है कि जिन्हें बैठे आपां जिस दा साडा संबंध है, जिस दे नाल किस दे नाल है, धन धन सतगुर दे नाल, किते भी धन धन सतगुर बोलेगा साडा अपना ही है, ये भी साडा अपना है, जिथे भी जाओ जिथे धन धन सतगुर बोलेगा ना साडा अपना है। तो मैं चाहुंदा कि मैं नारा लावां तुसीं उहदे नाल अपना मैं करो जी। हाँ, क्या? हाँ, मैं अच्छा अच्छा